हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, तो इन 5 क्वेश्चंस की जब भी बात करेंगे तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और कुछ इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। अब उन्होंने क्या किया कि मार्च के लिए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स यानी दो ग्रुप्स बनाए और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जब हम मार्च के लिए यूज करेंगे। आपने देखा है जब भी कर्फ्यू वगैरह लगाना होता है तो उससे पहले एक फ्लैग मार्च निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे मिलिट्री वाले हो सकते हैं, मे बी पुलिस भी फ्लैग मार्च निकालती है, तो वो एक लाइन में चलते हैं और वो जायजा ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे गए हैं मार्च निकालने के लिए, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यूज कर सकते हैं। हमने माना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी तरफ से n मान लिए, कितने मान लिए n है। ठीक, अब मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ कितने मेंबर है, 616 मेंबर और 32 मेंबर से। ठीक, अब मुझे ये एस सी एफ इसका फाइंड करना है तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूं या इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पे मैं इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। ए मेरा डिविडेंड होता था, बी डिवाइजर होता था, क्यू क्वेसेंट, आर रिमाइंडर। अब हम देखेंगे तो मेरा यहाँ डिविडेंड कौन है 616 और डिवाइजर कौन है 32। अब इसको हम वही एस सी एफ डिविजन मेथड, 616 से ये वन टाइम गया 32, यहाँ पे कितना बचा 29, 296। अब इसको हम 9 टाइम कर सकते हैं क्या, 9 2 18, 9 3 27, 28 यानी 288, 19 टाइम गया। अब मेरे पास 8 बचा, 8 का आप 32 में करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी मैंने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई, जब हम 19 से कर रहे तब हमारे पास रिमाइंडर 8 था, और जब तक हम इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए या हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब मैंने क्या किया, 32 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एस सी एफ मेरा इसका क्या निकल के आया 8। तो लिख सकते हैं एस सी एफ 616 32 इज इक्वल टू कितना आया 8, और यही हमने पूछा था n, इसको क्या माना था n, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो कितने कॉलम मार्च में बनेंगे, ग्रुप अगर बनाना है डिवाइड करना है तो 8 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे 8। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट 12 बी पावर एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 and 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। हमें क्या है ये शो करना है, ऐसे काफी क्वेश्चन किए थे और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो 12 की पावर n के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर देखते हैं कि 12 की पावर n के क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 की पावर n दे रखा है, तो इसको जब फैक्टर करेंगे 2 6 टाइम 2 3 टाइम इंटू 3 की पावर n, ये मेरी वैल्यू बनेगी। ठीक, अब यहाँ 2 दो बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर n इंटू 3 की पावर n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया, अब मुझे पता पड़ रहा है कि 12 की पावर n डज नॉट कंटेन फैक्टर 5, यहां पे 5 का फैक्टर तो आ नहीं रहा है, तो
तो लिख सकते हैं 12 की पावर n डज नॉट कंटेन फैक्टर 5। तो यहां पे अब मेरा 5 का फैक्टर आ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एंड 5 डिजिट्स 0 एंड 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। यही हमें यहां पे प्रूफ करना था। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, क्योंकि मैंने पहले फैक्टर देखे तो यहां पे कोई 5 का फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एंड में डिजिट 0 और 5 नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये मेरे दो क्वेश्चन थे। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा ये लास्ट 3 क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर्स के, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये आपके हम क्वेश्चन कर चुके हैं, रिमाइंडर कब बचता था जब एससीएफ निकाल रहे होते थे तो किस तरह से फाइंड करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8/9 10/27 16/81। इस तरह से कैसे हम एससीएफ एलसीएम निकालते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टूगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर, यानी 3 पर्सन थे जो मॉर्निंग वॉक पे गए। ठीक, उसके बाद उनके जो स्टेप मेजर किए गए, एक का 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, थर्ड का 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अगर वो अपनी डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी प्रत्येक की, वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट स्टेप, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितने कंप्लीट स्टेप्स थे, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस यहां पे क्या होगी। तो जब इस तरीके के कोई क्वेश्चन दिया हो और जब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा है उसने कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, यानी कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस होगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो बनेगी इसमें अगर देखें, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कंप्लीट स्टेप्स बताने हैं और मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो एलसीएम लेंगे 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का। ठीक, इसके हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम करने का मैंने एक तरीका यहां बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा यूज करें। अगर 40 का देखेंगे तो क्या बन सकता है, 2 से ये 20 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स और 5 से ये 1 टाइम्स, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अगर हम फैक्टर निकालें, देखिए 2 पहले 2 से डिवाइड किया तो 20 टाइम गया, फिर 2 से किया तो 10 टाइम, 2 से फिर किया 5 टाइम, तो 5 से 1 टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर q इंटू 5, तो ये मेरा 40 का आ गया। अब 42, 2 से अगर करूंगा 2 बन जा 2, यानी 21 टाइम गया, 21 अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 इंटू 7, तो इसका जो निकल के आएगा प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे वो 2 3 और 7 आएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब 45 की बात करेंगे तो 45 हम कितने से कर सकते हैं, 3 से, तो 3 से ये 15 टाइम गया, फिर 3 से करेंगे, 3 से ये फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ये मेरे क्या आए, प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। अब इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम क्या कहता था, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, जितने भी नंबर्स हैं, तो उनमें जो हाईएस्ट पावर होती है उनको हम लेते हैं। हाईएस्ट पावर जिसकी दी होगी उस प्रोडक्ट को हम लेंगे सारे नंबर्स में। अब 2 2, 2 में 2 है, 2 की पावर क्यू, तो पहला क्या है, एलसीएम जब निकालेंगे तो यहां पे क्या निकल के आएगा, 2 की पावर q इंटू, अब 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है इसमें, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 5 इंटू 7, ये करेंगे
ठीक, तो ये मेरा एलसीएम निकल के आएगा, 2 की पावर q को हम 8 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 5 इंटू 7, ठीक, 9 5 जा 45 इंटू 8 इंटू 7। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 3 60 इंटू 7। अब इसमें भी इसको करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, तो 2520, यानी इसकी जो सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये इतना सेंटीमीटर आ गया, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करोगे तो 2520/100 कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी हमारी, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली। जब हम सेम डिस्टेंस पर किसी भी स्टेप्स को कंप्लीट करना था तो हमें यहाँ एलसीएम की रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या है मेरे, 7, 11 और 15 दे रखे हैं। और मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जहां पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी 398 में हम क्या ऐसा डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर 7 हो जाए। तो क्या करेंगे, जब भी एचसीएफ निकालते हैं ऐसे नंबर का तो 3 रिमाइंडर दे रखा है तो उसको माइनस कर देंगे, 7 436 - 11 542 - 15। अब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये बचेगा मेरा 391, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी मेरी, 436 में से 11 गया तो 425, और 542 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे अगर देखते हैं 15 यानी 12 में से 5 गए तो 7, 3 में से 1 गया तो 2527। अब मुझे इसके एचसीएफ फाइंड करने हैं तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर का यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, प्राइम फैक्टर। अब 391 है, अगर 391 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 से ये जा नहीं सकता, ठीक, और 1 लास्ट में किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में 81 आता है, तो 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं जा सकता। अब 13 से करके देखते हैं, 13 से भी नहीं जा सकता, ठीक, 11 से भी नहीं जा सकता, 17 से करके देखेंगे, 17 1 जा 17 17 2 जा 34, और बचा कितना, 5 1, यानी ये 17 से जा रहा है, किससे जा रहा है, ये 17 से जा रहा है, तो 17 2 जा 34 5 1 तो 23 23, तो किसी से जाता नहीं, 23 से ही जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे मेरे, 17 इंटू 23। अब 425 की बात करेंगे तो 425 में 5 से आसानी से कर सकते हैं डिवाइड, 5 8 जा 40 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 17 टाइम गया, फिर 17 से करेंगे 1 टाइम गया, तो इसके भी फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 527 के फैक्टर्स देखेंगे तो 527 का फैक्टर्स क्या बन सकता है, देखिए 7 पीछे आ रहा है तो 3 से डिवाइड करके हम इसको देख सकते हैं, 3 1 जा 3, अब बचा कितना, नहीं जा रहा 3 से, ठीक। अब 9 से देखें, 9 5 जा, नहीं जा रहा है, ठीक, 11 नहीं जा रहा है, 44 है ना, 13 नहीं जाएगा, फिर अब 17 से ही करके देखते हैं, 17 5 जा 17 3 जा 51, 31 टाइम गया, फिर 31 से ये 1 टाइम जाएगा, तो इसके जो फैक्टर होंगे 17 इंटू 31। अब देखें तीनों में कॉमन है वो है 17, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, क्योंकि यही तीनों में जो कॉमन टर्म, एस सी एफ क्या बताया गया था, कॉमन टर्म होना चाहिए विद लोएस्ट पावर, ठीक है, जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें कॉमन टर्म्स होना चाहिए विद लोएस्ट पावर, तो 17 में पावर 1 ही है, तो एचसीएफ इसका कितना होगा, रिक्वायर्ड जो एचसीएफ है वो आएगा आपका 17, इसका आंसर कितना होगा हमारा 17, इसका आंसर कितना आएगा 17, ठीक।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया हुआ है, जब फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ में पूछा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8/9, 10/27, 16/81। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो जहां पे मुझे एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है और संख्या दे रखी है 8/9, 10/27 और 16/81, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमेशा याद रखना, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका तो एचसीएफ लेंगे, न्यूमरेटर जो गिवन होता है उसमें हम एचसीएफ निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर गिवन होता है उसमें एलसीएम निकालते हैं। जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ये मान लीजिए न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे जब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब हमने क्या किया, 8, 10 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकालें, 8, 10 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं तो 8, 10, 16 इसके फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2, ठीक है, 2 का क्यूब 2 × 5 और यहां पे क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां पे देखोगे आप प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 बन रहा है, 2 की पावर 1 × 5 है और यहां पे 2 की पावर 4 है, ठीक। तो 2 की पावर सबसे कम किस में पावर आ रही है, 2 की पावर 1, तो इसका हो जाएगा 2, इसका एचसीएफ क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 निकल के आएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 9, 27 और 81, 9, 27 और 81 का एलसीएम, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, सिंपल है ये। तो इसका जो एलसीएम आएगा जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं और सेम टर्म है तो 3 की पावर 4 यानी 2/81। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, मेरा एचसीएफ जो निकल के आएगा 2/81 एचसीएफ आएगा। हमने क्या किया, 8, 10 और 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एचसीएफ निकाला और फिर 9, 27, 81 के एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकाला गया। अब हम एलसीएम जब निकालेंगे, ये तो मेरा एचसीएफ निकल के आया, अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, जब भी हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जब भी निकालेंगे तो हमेशा एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा और एचसीएफ डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो एलसीएम हमारा न्यूमरेटर में आता है जबकि एचसीएफ जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। और जब हम इसको निकालेंगे तो एलसीएम इसका अगर देखोगे, 8 का मेरा क्या था, 2 का स्क्वायर 2 × 5 और 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है, 16, तो 2 कॉमन है सब में तो 2 की पावर 4 × 5 यानी 16 × 5 = 80, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 80 आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, मेरा 80 निकल के आएगा। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 अगर देखें तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, मेरा 3 का जो स्क्वायर होगा, सब में 3 आ रहा है, मान के चलिए सब में 3 आ रहा है, ठीक, अगर देखोगे तो सभी में 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 9 निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा एलसीएम का वो 80/9 एलसीएम का आंसर होगा, एचसीएफ का जो आंसर होगा 2/81 होगा। हमें केवल इसमें एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोले और वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, और एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें 6 मार्क्स लगभग पूछे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो ये हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है और आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।